हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में देखेंगे कि पाइथन लाइब्रेरीज को किस तरह से यूज़ किया जाता है और मॉड्यूल्स को किस तरह से हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथन लाइब्रेरीज को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पाइथन लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर, दिस इज चैप्टर नंबर 4, यूजिंग पाइथन इन लाइब्रेरीज, है ना, जो आपकी बुक है, बुक का चैप्टर नंबर 4 है ना। और इसमें हम देखेंगे कि जो प्रीवियस सेशन में हमने जैसे पाइथन के अंदर फंक्शंस वगैरह क्रिएट किए थे, ठीक है, तो उसी के साथ में हम उसकी जो लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं, लाइब्रेरीज को किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो लाइब्रेरीज जो होती है, लाइब्रेरीज जनरली क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं ना प्रोग्राम के अंदर, इम्पोर्ट देन उसका फाइल का नेम पास करते हैं। तो दिस इज द लाइब्रेरीज। ओके, तो ये कुछ लाइब्रेरीज क्या होती है, वो प्री डिफाइंड भी होती है। मीन्स प्री डिफाइंड मीन्स कि जो यूज़र है, प्री डिफाइंड होती है मीन्स कि जो इसकी पाइथन की लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। जैसे आप क्या कहते हो, मैथ, मैथ लाइब्रेरी होती है, ठीक है, और भी लाइब्रेरीज होती है। तो उस टाइप की जो लाइब्रेरीज होती है उसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। और कुछ यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है जो क्या कहता है, यूज़र क्रिएट करता है, तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज, है ना। तो उसी पाइथन लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पाइथन लाइब्रेरीज, द फ्रिक्वेंटली यूज्ड द मॉड्यूल आर जनरली नोन एज द लाइब्रेरीज विच कंटेन कोड फॉर द जनरल पर्पस, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जो हम कुछ फ्रिक्वेंटली कुछ मॉड्यूल्स को हम यूज करते हैं, मॉड्यूल्स मीन्स कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बना रहे हो, है ना, तो उस मॉड्यूल्स को यूज करते हैं। ये मॉड्यूल्स हो सकता है प्री डिफाइंड हो, पहले से बना हुआ हो, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट पे इस मॉड्यूल को क्या कर रहे हैं, सीधे के सीधे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका कोड कुछ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, जो भी कोड इसमें पहले से राइट है, तो उस मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, इस पैकेज के जो भी हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर क्या कहते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, जनरली जैसे कुछ मान लो कि मैथ है, मैथ का मॉड्यूल है, ठीक है, मैथ का कोई पैकेज इसके अंदर ऑलरेडी इसमें क्या बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, सीधे इस जो प्रॉम्प्ट है या प्रोग्राम है इसमें इसको कॉल करेंगे या इंपोर्ट कर लेंगे। देन इसके जो भी जो फंक्शंस है, जो भी फंक्शंस है, उसको हम सीधे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लाइब्रेरीज होती है, दिज आर द लाइब्रेरीज आर द कलेक्शन ऑफ मैथड्स क्लासेस विच कैन बी यूज इजिली, ठीक है। तो जो लाइब्रेरीज है, जो मैथड है, क्लासेस है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो प्री डिफाइंड होती है, तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है। और आप चाहो तो अपना खुद का पैकेज भी बना के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक पाइथन का एक फीचर है, पाइथन का क्या फीचर्स है कि जो ये बोलता है कि इसका जो कोड होता है वो होता है लेस होता है, लेस कोड होता है, ठीक है, जो कोड होता है वो क्या होता है, लेस होता है, ओके। लेकिन इसके जो पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस, ठीक है, वो क्या होता है, बिगर होते हैं। बिगर क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो यूज़र होता है ना, यूज़र, अलग अलग यूज़र होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना यूज़र डिफाइन क्या करते हैं, यूज़र डिफाइन पैकेजेस बना देते हैं, इसके यूज़र डिफाइन क्या करते हैं, मॉड्यूल बना लेते हैं, मॉड्यूल बोल सकते हैं या लाइब्रेरी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लाइब्रेरीज भी बोल सकते हैं इनको, अलग अलग वो क्या करते हैं, डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये अब इसको क्या बना दिया उन्होंने, बनाने के बाद क्या करते हैं कि उसको अपलोड कर देते हैं। जैसे हमने देखा था, एक देखा था टिकर, जो देखा था ना टिकर देखा था, मैथ हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था जो प्री डिफाइन है। तो वैसे पैकेजेस क्या कहते हैं, यूजर्स बना के क्या कहते हैं, अपलोड कर देते हैं। अब जब आपको इसको यूज करना होता है, तो आप क्या कहते हैं, पिप करके अपने अपने जो पाइथन है, पाइथन का जो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, उसके अंदर उसको क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं। देन उसको इम्पोर्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लाइब्रेरीज है वो क्या होती है, बहुत, इसकी मल्टीपल लाइब्रेरीज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी इसके यूजर्स है वो क्या कहते हैं, अपने एक जो मेनली यूजर्स है ना, वो इसके क्या कहते हैं, लाइब्रेरीज को डेवलप करते जाते हैं, उसके पैकेजेस को क्या कहते हैं, डेवलप करते जाते हैं, ओके। तो पाइथन प्रोग्राम इज मेड यूजिंग द थ्री डिफरेंट कंपोनेंट, जो इसके जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जिसको हम कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो एक तो होता है इसमें लाइब्रेरी और पैकेजेस होता है, ठीक है, सेकंड होता है मॉड्यूल्स होता है, और तीसरा होता है फंक्शंस, ठीक है। तो इसको अलग अलग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है, लाइब्रेरीज के अंदर क्लासेस होती है, देन उसके मॉड्यूल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, फिर मॉड्यूल्स होता है, मॉड्यूल्स के अंदर उसके क्या होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, जो उसमें हम क्या करते हैं, उसको या तो राइट करते हैं, मतलब यूजर डिफाइन होते हैं, या प्री डिफाइंड हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, उस फंक्शन को डिफाइन करते जाते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शंस भी क्या होते हैं, कुछ
इसके सब मॉड्यूल्स भी होते हैं, देन उसके उसके प्री डिफाइंड फंक्शंस भी होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रिंट फंक्शन, ठीक है, इसको हमने यूज किया प्रिंट, ये ऑलरेडी क्या प्री डिफाइंड है, इसको सीधे के सीधा आपने यूज किया, उस सोर्स जो भी आपका प्रोग्राम है उसके अंदर क्या होता है वो एड हो जाता है। ओके, देन रिलेशन बिटवीन द पाइथन लाइब्रेरीज मॉड्यूल एंड पैकेज। अब ये जो पाइथन लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है। अब वो किस टाइप से होता है वो देखते हैं। ए मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशन फंक्शंस वेरिएबल्स क्लासेस एंड स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि जो पर्टिकुलर जो मॉड्यूल्स है मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है फंक्शंस के, जो पाइथन के डेफिनेशंस होती है, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, क्लासेस होते हैं और स्टेटमेंट होते हैं, है ना। देन द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल डॉट पी वाई, ये हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, डॉट पी वाई जो फंक होता है ये हम क्या कहते हैं पाइथन का जो भी प्रोग्राम होता है उससे उसको हम सेव कर देते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या कहते हैं डॉट पी वाई, वो पाइथन का एक्सटेंशन स्पेसिफाई करते हैं। वाइल पाइथन पैकेज इज डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये जो पाइथन पैकेज है, पाइथन पैकेज होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर हमने एक फोल्डर बना दिया, एक फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर क्या है कि इसकी जो अलग अलग फाइल बनाई, जैसे मैंने इसमें एक बना दिया हेलो हेलो डॉट पी वाई, ठीक है, दूसरी बना दी कोई फंक्शन के लिए लिया फंक्शन डॉट पी वाई, तो इसको मैं क्या करूंगा कंटेन करके रखूंगा इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर या पैकेज डायरेक्टरी के अंदर, इसको मैं क्या कर दूंगा इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इसका मॉड्यूल बोलेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका मॉड्यूल हो जाएगा, इसको बोलेंगे पाइथन मॉड्यूल। ओके, देन ए लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ मैनी पैकेजेस, तो जो लाइब्रेरीज होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे उसके जो पैकेजेस होते हैं, तो ये जो मॉड्यूल्स ही होते हैं, मॉड्यूल्स को ही क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं इस पैकेज के अंदर इंपोर्ट करते जाते हैं। तो मल्टीपल अगर मॉड्यूल्स है तो मल्टीपल हम मॉड्यूल्स या पैकेज का हमने कलेक्शन लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे लाइब्रेरी। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि जो हमारी सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल या पाइथन फाइल है उसको उसका कलेक्शन करके हम मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस बनाते हैं, देन उसके बाद जो पैकेजेस और जो मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं लाइब्रेरी। तो इस तरह से इनमें क्या होता है आपस में रिलेशन होता है। ओके, अब देखते हैं पाइथन इन मॉड्यूल। ए मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग द पाइथन डेफिनेशन फंक्शंस वेरिएबल्स क्लासेस एंड स्टेटमेंट, द एक्सटेंशन ऑफ दिस फाइल इज डॉट पी वाई। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो मॉड्यूल है वो भी क्या है, इसके पर्टिकुलर फंक्शंस है, उसके डेफिनेशन है और ये इस टाइप से हम इसको यूज करते हैं, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो भी क्या होता है डॉट पी वाई होता है ना। द नेम ऑफ मॉड्यूल मॉड्यूल इज द नेम ऑफ डॉट पी वाई फाइल, है ना, जो आपके पाइथन फाइल है ना, जो सोर्स फाइल है उसका जो भी नेम आप रखते हैं उसको बोलते हैं हम पाइथन मॉड्यूल बोलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल गिवन है डॉट, यहाँ पे मैथ डॉट पी वाई, ये क्या हो गया मैथ मॉड्यूल हो गई, ठीक है, इसमें मैथ उसके साथ में हमने पास कर दिया, उसका नेम पास कर दिया, ठीक है, जो एक नेम है और स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, साथ में हमने उसका उसके साथ अंडर इसके हमने यहाँ पर पास किया अंडरस्कोर नेम वेरिएबल नेम, ठीक है, ज्वाइन करके बता दिया उसको इज यू स्टोर इज मॉड्यूल, ठीक है, ये हम मॉड्यूल के अंदर जो है मॉड्यूल का नेम हम स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने पास कर दिया और भी कोई यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना दिया, जैसे मान लो हम मैंने बनाया सम के लिए, ठीक है, सम डॉट पी वाई, ठीक है, अगर मान लो कि स्टैक के लिए बनाया था स्टैक डॉट पी वाई, ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ये है तो सोर्स फाइल लेकिन इसको क्या करेंगे हम एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर क्या कर देंगे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये इसी नेम से फिर क्या करेंगे हम इसको इंपोर्ट करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। ओके, देन उसके कुछ एडवांटेज है, किसके एडवांटेज है मॉड्यूल के। इट इज अ बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट वी कैन इंपोर्ट इट्स फंक्शनली इन द एनी प्रोग्राम एंड यूज इट। तो जो एडवांटेज है किसका आपके मॉड्यूल का, इसको क्या कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, है ना, किसी भी प्रोग्राम के अंदर इसका हम इंपोर्ट कर सकते हैं और साथ में इसको क्या कह सकते हैं यूज कर सकते हैं। मेन पर्पस ये होता है जो प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाए। ओके, तो रीयूजेबिलिटी इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। रीयूजेबिलिटी मीन्स कि बार बार आप उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, ये इसका एक बिगेस्ट एडवांटेज है। इट हेल्प्स द लॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाइथन कोड, ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशनल हम क्या कहते हैं है ना, जो होता है उसका लॉजिकली हम क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई, जैसे मान लो कि कोई कोड हम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं उसके जो पैकेजेस और लाइब्रेरीज को बना सकते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये एक मेन इसका बेनिफिट है। द प्रोग्रामिंग बिकम्स इज वेरी इजी व्हेन
वी यूज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ कोड. इसमें जो प्रोग्रामिंग है, अगर हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या करते हैं कि जब इसको हम यूज करते हैं तो इससे प्रोग्रामिंग और इजी हो जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें सेम टाइप का कोड्स यूज कर रहे हैं, है ना. देन कैटेगराइज सम एट्रीब्यूट्स कैन बी स्टोर इन द वन मॉड्यूल. अगर उसको हम अलग कैटेगराइज करेंगे, जैसे मान लो कि कोई जो सेम एट्रीब्यूट्स है उसको क्या कर सकते हैं सेम मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम इम्पोर्ट कर सकते हैं. अब जैसे मान लो कि सम नाम के हम लोगों ने एक मॉड्यूल या एक फाइल बना दी, इसमें हम सम कर सकते हैं टू वेरिएबल्स का भी, थ्री वेरिएबल्स का भी, फोर वेरिएबल्स का भी और फाइव वेरिएबल्स का भी हम क्या कर सकते हैं सम कर सकते हैं. तो ये क्या होगा एक पर्टिकुलर एक ही मॉड्यूल के अंदर क्या हो जाएगा वो एड हो जाएगा. ओके देन प्रोसेसिंग ऑफ इम्पोर्ट. इसके प्रोसेसिंग जब हम किस तरह से यूज करते हैं तो सिंपल सा फंडा है, जिसको कर लो इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट देन उस पैकेज का नाम, जो भी मॉड्यूल आप इसके इंटर करने वाले हैं, ठीक है. तो इससे क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा पूरा पूरा जो पैकेज है या जो मॉड्यूल्स है वो क्या हो जाएगा इसमें इम्पोर्ट हो जाएगा. ओके इम्पोर्ट मॉड्यूल कोड गेट एग्जीक्यूट आफ्टर द इंटरप्रिटेशन, ठीक है. जब आप इसको क्या करोगे इंटरप्रेट करोगे या रन करोगे तो इसके बाद क्या होगा कि ये जब इम्पोर्ट है जो आपने उसके सोर्स कोड में दिया वो क्या हो जाएगा आपके आपके प्रोग्राम के अंदर एड हो जाएगा, है ना. देन ऑल द प्रोग्राम्स एंड वेरिएबल इज इम्पोर्टेड मॉड्यूल आर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, ठीक है. जितने भी हम इस प्रोग्राम को जब इसको इम्पोर्ट क्या करते हैं मॉड्यूल को एड करते हैं तो उसके जितने भी प्रोग्राम्स वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं जो प्रेजेंट प्रोग्राम है जिसमें आपने क्या क्या इसको इम्पोर्ट किया है उसके अंदर वो क्या होता है एड हो जाता है. ओके ए नेम स्पेस सेटअप इज क्रिएटेड फॉर द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल इन द सेम ऑफ द मॉड्यूल. मान लो कि हमने जो नेम स्पेस क्रिएट किया है कोई मतलब फोल्डर नेम बनाया, नेम स्पेस एक तरह का फोल्डर हो जाएगा, ठीक है. जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो उसको एज इट इज वैसे ही रखते हैं जैसा कि क्या होता है जो मॉड्यूल का नेम होता है ना, जैसे मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं वैसे ही हम उसको क्रिएट करते हैं और नेम भी उसका क्या होता है सेम ही रखते हैं. ओके देन प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट देन ऑब्जेक्ट कमांड. अब इसके अंदर क्या हो गया कि हमने मान लो कि जब इसको यूज करना होता है तो हम इसे कहते हैं फ्रॉम, देन उसके बाद मॉड्यूल का नेम भी पास कर देते हैं, देन उसके बाद इम्पोर्ट, देन उस ऑब्जेक्ट कमांड जिसको आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं वो उसके अंदर पास ऑन कर देते हैं. अभी हम इसको पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर देखेंगे. ओके व्हेन यू रन फ्रॉम द मॉड्यूल इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट कमांड देन द फॉलोइंग थिंग ऑक्यूर. क्या होता है इम्पोर्ट मॉड्यूल कोड गेट एग्जीक्यूट आफ्टर द इंटरप्रिटेशन, ठीक है. जितनी बार भी आप कोई अगर मान लो कि कोई पैकेज इम्पोर्ट कर रहे हो जब तक कि आप उसके अंदर क्या होगा उसको उसको क्या इंटरप्रेट नहीं करोगे रन नहीं करोगे तब तक वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो उसको उसके लिए आपको क्या है कि उसको कम से कम आपको उसको एग्जीक्यूट या उसको रन करना पड़ेगा या कंपाइल करना पड़ेगा. ओके ओनली आस्क द प्रोग्राम एंड वेरिएबल्स ऑफ इम्पोर्टेड मॉड्यूल आर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, ठीक है. क्या होता है कि जब प्रोग्राम और जब प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं प्रोग्राम के अंदर जो करंट प्रोग्राम होता है उसके अंदर क्या कहते हैं उसको यूज करने के लिए हम क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को ऐड कर देते हैं. ओके नो नेम स्पेस इज क्रिएटेड इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल आर अटैच इन द करेंटली नेम स्पेस, ठीक है. अगर मान लो करेंटली नेम स्पेस में हम कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि नया नेम स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते या नया उसके अंदर हम पैकेज नहीं क्रिएट कर सकते हैं. ओके तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अब आगे चलते हैं हाउ टू मेक मॉड्यूल इन पाइथन. अब पाइथन के अंदर उस मॉड्यूल को किस तरह से क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं. जैसे यहाँ पे इन्होंने एक मॉड्यूल लिया है, टू मेक ए मॉड्यूल इन पाइथन यू हैव मेक ए डॉट पी वाई, ठीक है. इस फाइल का ध्यान रखना है डॉट पी वाई फाइल विच हैज है ए नेम जिसका एक पर्टिकुलर नेम है. ओके सपोज मेक ए फाइल सेव डॉट पी वाई, ठीक है. एक सेव डॉट पी वाई अब क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसका एक्सटेंशन हमको रखना है डॉट पी वाई, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो स्पेसिफाई कर लेता है कि ये पाइथन फाइल है ना, ये पाइथन के सोर्स फाइल है. देन वी राइट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एरिया विद इन इट, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं इस फाइल के अंदर अलग अलग फंक्शंस को हम राइट कर सकते हैं, ठीक है, एंड पुट इट विद इन द सेम फोल्डर वेयर द अवर प्रोग्राम इज स्टोर, है ना. तो इस प्रोग्राम इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस फाइल को आप रन कर रहे हो तो आपको उस फाइल के अंदर क्या होना चाहिए कि जहां पे आपका सोर्स फाइल है, ठीक है, जहां पे स्टोर कर रहे हो तो उसी प्रोग्राम के साथ आपको उसको क्या करना है स्टोर करके रखना है. अदरवाइज क्या होगा वो एरर देगा. अगर आपने उसकी जो फाइल है किसी अदर प्लेस डाल दी, है ना, पुटअप कर दी, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. या तो आपको उसका पाथ सेट करना पड़ेगा. ओके तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, ये एक प्रोग्राम बनाया, दिस इज इसका नाम है सेव डॉट पी वाई, है ना, इसके अंदर सेव कर दिया, ठीक है.
अब इसमें क्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन एरिया ऑफ सर्कल, एक एरिया ऑफ सर्कल ले लिया और उसको क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू को भी रिटर्न कर दिया। फिर एरिया ऑफ सिलेंडर ले लिया, उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया और रिटर्न कर दिया। देन इसको अब रन करोगे, इसको अब इस फाइल को क्या करना होगा, रन करना होगा, रन करेंगे या फिर इसको कंपाइल करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, किसी दूसरे दूसरी फाइल है ना, जैसे यहाँ पे शेप डॉट एक फाइल ही हो गई, ये सेकेंड फाइल हमने क्रिएट कर दिया, इसमें ले लिया कैलकुलेट कैलसी डॉट पी वाई, ये सेकेंड हमने फाइल क्रिएट कर दी। अब इसमें हमने इसको पैकेज को इम्पोर्ट किया, कैसे किया, इम्पोर्ट शेप, ठीक है, ये जो शेप था इसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया, ओके। या फिर इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, फ्रॉम शेप इम्पोर्ट स्टार, स्टार का मतलब होगा कि जितने भी कंटेंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी उसको यूज कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे कर दिया प्रिंट सेव डॉट एरिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी जो पैरामीटर पास कर दिया, 10 पास कर दिए तो वो उसका आउटपुट दे देगा, ठीक है। फिर हमने सेव डॉट एरिया रेक्टेंगल, उसकी वैल्यू पास कर दी। देन सेव डॉट एरिया सिलेंडर, इसको पास किया, तो इसका जो इसके अंदर पैरामीटर पास किया तो इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये इसका होगा, इसका ये डिफरेंट डिफरेंट ये क्या होगा, आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हमारे प्रॉम्प्ट पे करके देखते हैं कि प्रॉम्प्ट के पे किस तरह से वर्किंग करता है। ओके, पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो ये पाइथन प्रॉम्प्ट है, अब यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं, है ना, पाइथन फाइल हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव कर दिया, कहाँ पर जाके सेव कर दिया मैंने इसको, प्रोग्राम्स के अंदर ही सेव कर देता है ना। इसका मैंने सपोज नाम दे दिया, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, मैं एक ले लेता हूँ कैलसी डॉट पी वाई, ठीक है। ये मैंने एक फाइल ली है, सोर्स फाइल, इस फाइल का नेम दे दिया, ओके, इसको सेव कर दिया, सेव हो गया, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक कुछ फंक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया सपोज इफ डेफिनेशन सम, ये पास कर देते हैं, और इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे, दो पैरामीटर, ओके, देन रिटर्न हो गया ए प्लस बी, ओके, ठीक है। ये हो गया एक जो सम फंक्शन हो गया। फिर सेकंड फंक्शन भी ले लेते हैं, सपोज इसमें हमको लेना है मल्टी मल्टीप्लिकेशन लेना है, ओके। इसमें भी पैरामीटर पास कर दिया ए कॉमा बी, जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो, ओके, देन इससे रिटर्न कर देंगे इसका मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी, ठीक है। तीसरा हमने ले लिया, एक को ले लिया, सबट्रैक्शन के लिए भी ले लेते हैं, सबट्रैक्शन के लिए ले लिया, इसमें पैरामीटर पास किया ए कॉमा बी, ओके, देन इसमें पास कर दिया रिटर्न, यहाँ पे पास कर देंगे ए माइनस बी, ओके। एक को ले लेते हैं फंक्शन, इसका नाम दे दिया सपोज डिवीजन, ठीक है, इसमें भी पास कर दिया मैंने ए कॉमा बी, देन अब इसमें रिटर्न कर देते हैं रिटर्न ए माइनस बी, ओके। अब इस फंक्शन को सेव कर लेंगे, और साथ में क्या कर देंगे, रन कर देते हैं, रन रन करते हैं इस मॉड्यूल को, ठीक है, इसको डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, रन हो गया, कोई आउटपुट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। मैं पहले डायरेक्ट कॉल करता हूँ, क्या नाम था उसको, एक फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका नाम था सम, ठीक है, आ रहा है क्या इसमें सम, ओके, सम दिखा रहा है, सबट्रैक्शन भी दिखा रहा है, सबट्रैक्शन एक्चुअली प्रोग्राम नहीं दिखा रहा, वो सम कोई दूसरा सम था, है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा, ठीक है। मल्टी देख लेते हैं, मल्टी मल्टी दिखा रहा है क्या, ओके, मल्टी दिखा रहा है इसमें, ठीक है, देखते हैं ये वही है क्या, ठीक है, मल्टी देन दिस ए कॉमा, इसमें पास कर देते हैं डायरेक्ट में वैल्यू पास करना 10 एंड 2, ओके ओके, ये एक्चुअली इसने डायरेक्ट ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको रन करा था, उसको क्या किया था, उसकी फाइल के अंदर सेव किया था। अगर नहीं लेता तो आपको क्या करना होता है उस केस में, इम्पोर्ट इम्पोर्ट, इसमें इसको पैकेज को, है ना, जो पैकेज है उसको पहले क्या करना होता है आपको, इसको इम्पोर्ट करना होता है, इसका ना जो फाइल का नाम है कैल सी, ओके। ये जब तक इम्पोर्ट नहीं करोगे, अभी तो उसने ले लिया, ठीक
ना, अगर वो बाय द वे नहीं लेता तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इम्पोर्ट केएलसी, ठीक है। देन अब उसके बाद इसमें कॉल करोगे सम, ठीक है। यहाँ पे देखो पैरामीटर मांग रहा है, मैंने पास कर दिया पैरामीटर 10, 20, 30 पास कर देते हैं, ठीक है। ये किसमें थे, हमारे स्केल फंक्शन के अंदर था। ओके ओके, तो ये सम क्या कर दिया इसने, माइनस क्यों ले लिया सम को, 20, 30 पास किया था हमने, के सब्ट्रैक्शन पास किया क्या, देखते हैं इसको। ओके सम तो सही था, ओके सम हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, इसको सब्ट्रैक्शन करना था तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि कंपाइलर रीड करते हुए आ रहा था ना, ठीक है। वापस मॉड्यूल को रीड कर, वो कर देते हैं कंपाइल। ओके देन फिर से इसको पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है इंपोर्ट, ठीक है सम को ले लेते हैं, सम 20, 30 पास किया, दिस आ गया 50। ओके इसको फिर अगेन पास करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इसमें है, इसमें पास कर देते हैं 30, 20, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी हो गया, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक बार फिर से ले लेते हैं मल्टी, इसमें पास किया 4, 6, ठीक है। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन दे देगा। देन डिवीजन के लिए भी कॉल कर लेते हैं, डिवीजन पास कर दिया, डिवीजन ले लिया हमने सपोज 12, देन उसके बाद 4 पास कर दिया। ओके ये डिवीजन फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि जो पैकेज है, ठीक है, जो पैकेज हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसको हम यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके तो ये जो फाइल है, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हो गए, ठीक है, ये फंक्शंस हो गए, आप इसको बोलेंगे मेथड्स, ठीक है ना, ठीक है, फंक्शंस या फिर हम इसको बोलेंगे मेथड्स, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, एक ये भी हो गया, देन इसको भी बोला, ये हो गया, ये भी हो गया। तो ये जो हम इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, जो हमने किस में देखा था, फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं, जो हमने फंक्शंस के अंदर देखा था, ठीक है। और ये जो है, ये हमारा ये क्या हो गया, ये एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है। इस मॉड्यूल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर जो भी उसके फंक्शंस है, क्लास है, जो वेरिएबल्स है, उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, किसी भी जो भी प्रेजेंट प्रोग्राम है उसमें बना, उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपके प्रोग्राम की क्या होती है, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है।